इस दौरान हमारा डाइट प्लान और हमारा शेड्यूल किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, रमज़ान के दौरान ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं बहुत जल्दी उठ जाते हैं, कोई 2:30 बजे उठ जाता है, कोई 3 बजे उठ जाता है, कोई 3:30 बजे उठ जाता है। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर हम रमज़ान को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो कोई भी पर्सन जो फॉलो कर रहा है, अगर प्रॉपरली कर रहा है, अगर उसे कोई बीमारी नहीं है और वो अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है, तो कम से कम 3 से 5 kg इस दौरान, इन महीनों के दौरान ईजिली जो है लॉस किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा महीना है। तो सहरी में आप सभी लोग, हम सभी लोग जो हैं बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मैं एक एवरेज समय पकड़ के चलता हूँ, लगभग लगभग 3:30 बजे ऑलमोस्ट सभी लोग उठ जाते होंगे। 3:30 बजे उठने के बाद जो सबसे पहली चीज़, आपकी जो प्रार्थना हो गई, जो हम प्रे करते हैं, वो होने के बाद हम लेंगे कम से कम आधा लीटर पानी। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि बीच में फिर हम पानी नहीं पी सकते हैं सीधा, फिर यू नो इफ्तारी के वक्त ही जो है ब्रेक होता है फास्ट। तो सबसे पहले 1/2 लीटर वाटर से हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर कम से कम 3 ग्लास तो आप पानी ज़रूर पिए। उसके 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आपको 1 ग्लास अफ्रेश लेना है। अफ्रेश आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से लिया जाता है। 1 ग्लास में सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच अफ्रेश लेना। गलती मत करिएगा कि दो दो तीन तीन चम्मच ले रहे हैं, बिकॉज इसमें कैफ़ीन भी होता है, तो कैफ़ीन एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच ही इनफ है। ग्लास में डाल दिया एंड फिर उसमें 200-300 ml पानी डाल दिया एंड स्टिर करके आप उसको पी जाओ। तो मैं मान के चलता हूँ कि लगभग लगभग 3:45 तक आपका ये काम जो है हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 3:50 तक हो जाएगा। उसके बाद आप नहा तो लीजिए, फ्रेश फ्रेश हो जाइए, या फिर अगर आप बाद में फ्रेश होते हैं तो अच्छी बात है। 10 से 15 मिनट बाद लगभग लगभग 4:10 को आपको सबसे पहले या तो आप 3 से 4 बादाम लेंगे जो कि आपने रात को भिगाए थे, या फिर आप 2 वॉलनट्स लेंगे। क्या कहा मैंने आपको? खाना किस तरीके से स्टार्ट करना, आपकी जो सहरी होगी वो किस तरीके से होगी, या तो आप 4 बादाम से स्टार्ट करेंगे, या फिर आप 2 वॉलनट्स भी ले सकते हैं जो कि आपने रात को भिगाए होंगे। तो पहले आपको वो खा लेने, उसके बाद आपको तुरंत आपका शेक प्रिपेयर करना है। शेक किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ये आप सभी जानते हैं। आपको जो है एक ग्राइंडर में 2 फॉर्मूला 1 के जो है स्पून लेने, फिर 2 प्रोटीन के लेने और 1 शेकमेट का। ध्यान रखिए, 2 फॉर्मूला 1, 2 प्रोटीन और शेकमेट, एंड उसमें आप 200 से 300 ml पानी डाल दीजिए। उसको 10 से 15 सेकेंड ग्राइंड कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स अपने खा लिए एंड उसके बाद जो है आप आपका शेक पी लीजिए। सो इस तरीके से ये आपकी मॉर्निंग की सहरी का जो है रहने वाला है आपका रूटीन। न्यूट्रिशनिस्ट हमारा ये मानना है कि ये जो हमारी सुबह की सहरी है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज आपने सुबह सबसे पहले थोड़ा सा फैट ले लिया आलमंड के फॉर्म में या वॉलनट के फॉर्म में, तो उससे जो है आपका पेट थोड़ा सा भर जाएगा, प्लस उसके ऊपर आपने जो है अपना शेक भी ले लिया, तो एक हमारे हिसाब से एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ मील बन जाती है, जिससे आपका फुलफिलमेंट भी हो जाएगा एंड 3-4 घंटों तक तो आपको भूख भी नहीं लगने वाली है। डेफिनेटली दोपहर को तो हमें भूख लगती ही है ऑलमोस्ट। तो मेरे हिसाब से ये जो सहरी का ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि ये जो ऑप्शन हमने आपको बताई ये आपके लिए ना काफ़ी है, या फिर इससे आपको भूख लगने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, या फिर आपका पेट बिल्कुल नहीं भरेगा, बिकॉज सहरी में थोड़ा तो हमें पेट भर के खा ही लेना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 से 4 या 5 चम्मच जो है इसमें ओट्स को भी ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया? आपने एलिमेंट्स भी ले लिए, या फिर कोई ना कोई ड्राई फ्रूट ले लिया, फिर आपने शेक ले लिया, या फिर शेक में अगर आपको लग रहा है कि ना काफ़ी है तो आप उसमें 3 से 4 या 5 चम्मच आप ओट्स के भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत हद तक फाइबर ऐड हो जाएगा, जिससे आपका पेट, आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा नीड तो किसी के भी नहीं होगी। तो ये एक आपका प्रॉपर सहरी का जो है ऑप्शन है। और मैं यहाँ पर ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि यार रोज़ रोज़ शेक पी के, कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार शेक, कई दफ़ा आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो सकती है, तो आप 1-2 दिन अपनी पसंद की चीज़ खा सकते हैं। जैसे कभी आपने ओट्स की खिचड़ी बना के खा ली, अगर आपको सॉल्टी खाने का मन हो तो, या फिर अगर आप सब्ज़ी रोटी आपके घर में बनी है तो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में दाल राइस बनाए तो वो भी आप ले सकते हैं, या कोई सब्ज़ी भी ले सकते हैं कभी कभार। तो जनरली आप शेक प्रेफर करो, बट कभी कभार अगर आपको चेंज करने का मन हो तो आप इस तरीके से जो चीज़ आपके घर में बनी है, या ओट्स की खिचड़ी हो गई, या फिर सब्जी रोटी बनी है, तो आप वो भी ले सकते हैं।